लोकसभा चुनाव का रुख भी पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि जनता मोदी जी की बात मानकर घर से बाहर जरूर निकलेगी और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी करेगी, लेकिन इसका उल्टा देखने को मिल रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक नहीं दो नहीं तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जनता मतदान डालने से इनकार कर रही है। मान लीजिए पूरे तरीके से बहिष्कार ही करती नजर आ रही है। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के गांव सुलेला की, जहां चुनाव का बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें जहां लोगों ने विधायक और सांसद से नाराज होकर मतदान का बहिष्कार कर दिया, जहां सुबह 12 बजे तक सिर्फ एक वोट डाला गया। जब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी गांव के लोगों को मनाने के लिए गांव में पहुंचे। वहीं लोगों का इतनी बुरी तरह गुस्सा फूटता हुआ नजर आया कि लोगों ने कहा कि मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान बनने के लायक भी नहीं हो तुम लोग। और इसी कारण जनता ने वोट डालने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि काम हो या ना हो हम मोदी जी के नाम पर और चेहरे पर वोट देंगे, लेकिन अब जनता का मूड कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और अब पूरी तरीके से देखा जाए तो जनता ने ही पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए देंगे तो मोदी जी को ही वोट, लेकिन अब यहाँ पर जनता साफ तौर पे कह रही है कि ना तो मोदी को वोट देंगे और ना ही तुम लोगों को वोट देंगे। इसलिए अब पूरी तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है और यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से 75 पे लड़ रही है भाजपा, जिसमें से 73 पे तो अपने उम्मीदवार उतार चुकेगी। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए लीडिंग भारत।